तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक डिटेक्टिव स्टाफ को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। जो ये वो जो कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो जो आरोपी हैं, ये वो हैं जो वर्क एट होम का जो लोगों को हवाला देते थे, उनसे एक बड़ी ठगी करते थे। बड़े जो घर पे मैसेज डाला जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को या महिलाओं को टारगेट बनाते थे और उनको ये कह दिया जाता था, वर्क फ्रॉम होम का जो हवाला था वो दिया जाता था, उनको लालच दिया जाता था कि घर बैठे आप हजारों कमा सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इस तरह से जो बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसके चलते आज लोग जो उनको पकड़ा गया है, जो आरोपी है वो यहाँ पर है और जो इंचार्ज है उनसे जाने का प्रयास जरूर करेंगे। मामला क्या है के माध्यम से इन लोगों ने एक महिला से ठगी। हाँ जी जी सर, मड़ा पीछे कर लो। ये ऑनलाइन क्लास लेने की फ्रॉड है, ऑनलाइन क्लास लेने पे फ्रॉड किया है कि भाई ऑनलाइन क्लास लोगे आप कि 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो उन्होंने कुछ फॉर्म भरने थे, फॉर्म तो उसने 350 के करीब फॉर्म भर दिए 15 दिन के अंदर, और उनको मैसेज कर दिया कि मैंने ये फॉर्म भर दिए कि मेरी पेमेंट कर दो। तो पेमेंट लेने के अवज में उस मैडम से कभी 4200 रुपये, कभी 2.5 लाख रुपये, कभी 3 लाख रुपये, ऐसे ऐसे करके मैडम के साथ उन्होंने 3,41,000 का फ्रॉड किया। तो ये मामला है। तो ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पे हुआ सर? ये ऑनलाइन वर्क के नाम, ऑनलाइन वर्क के नाम से। तो कौन कौन आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं? इनमें मुकेश और जतीन है। सर कहां से गिरफ्तार किए हैं? ये खोड़ा कॉलोनी नोएडा से गिरफ्तार किए। बिहार के रहने वाले जो मुख्य आरोपी है? हाँ, मुख्य आरोपी बिहार का। और भी लोगों के साथ ठगी हुई है सर ऐसे? हाँ काफी हुई है, ये बताएंगे, बताई है किसी ने जो मुकदमा दर्ज है, तो इनसे अपने इन दो के अलावा और भी कोई है सर? हाँ है, गिरफ्तार करेंगे अभी पूरी चैन। उनसे 1.5 लाख की एक्सी हुआ, 1,02,000 रुपए एक्सी हुई है, 2,52,000 की रिकवरी हुई है। हाँ 2,52,000 की। करनाल की महिला की शिकायत पे FIR दर्ज हुई? हाँ करनाल की महिला से। आईयू कौन है सर इसमें? आईयू रविंद्र जी। सर कितनी ठगी हुई थी सर महिला के साथ? क्या बताना चाहेंगे आप लोग? काफी सचेत करते हैं लोगों को, लेकिन बावजूद इसके लोग इस तरह से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि जो दो एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक महिला की शिकायत, जिसके साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, ऑनलाइन जॉब के नाम पर उसे ठगी की गई थी। वर्क फ्रॉम होम के नाम? जी बिल्कुल जी। वहां जब FIR दर्ज हुई है, तो FIR दर्ज होने के बाद हमने अकाउंट्स डिटेल को खंगाला गया और जिन फर्जी कॉलर बन के जो ये कॉल करते थे उन सबका हमने मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके उन तक मतलब हम फिर आरोपियों तक पहुँचे हैं इसमें। ठीक है, किस खाते में पैसा लेते थे बताया जरा? ये सर ये क्या था, ये डिजिटल अकाउंट खोलते थे, मतलब ऑनलाइन जॉब के साथ साथ ये लोग आपकी KYC अपडेट करने के बहाने ये लोगों के पास कॉल करते थे, लोगों के पास कॉल करके उनसे आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते थे। आधार पैन कार्ड लेने के बाद उनके नाम पर डिजिटल अकाउंट खोलते थे। ठीक है सर, डिजिटल अकाउंट में ये कोई भी फेक नंबर कहीं से भी लेके वो उसमें रजिस्टर्ड करते थे और ये जो पेमेंट लेते थे वो डिजिटल अकाउंट में लेते थे। डिजिटल अकाउंट में पेमेंट आने के बाद ये CSC सेंटरों पे जाकर, जैसे दिल्ली वगैरह में हमारे पैसे देने के लिए सेंटर होते हैं, ये वहाँ पे उनका QR कोड स्कैन करके उनके अकाउंट में पैसे भेजते थे, उनके अकाउंट में पैसे भेज के फिर वहाँ से ये कैश ले लेते थे। मोबाइल नंबर कैसे यूज करते थे सर? मोबाइल सर ये फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे, जो फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे वो एक्यूज भी आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास, लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ। वो जिस महिला ने कंप्लेंट कराई थी कितने की ठगी हुई उसके साथ? सर उसके साथ 3,47,000 रुपए की ठगी हुई। करनाल की महिला? जी बिल्कुल, वो करनाल की महिला। रिकवरी होगी सर इसमें 2,52,000 रुपए की। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हर जगह, खासकर ये लोग जो एक्यूज हैं ये औरतों को ही ठगी का शिकार बनाते थे, क्योंकि औरत को ही घर पे बैठे बैठे काम की ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट होती है लेडीज, और उनको काम की जरूरत भी होती है, क्योंकि घर पे खाली रहती है तो वो सोचते हैं कि कोई ना कोई काम कर ले। तो ये क्विकर से डाटा लेते थे, जैसे कोई भी अगर कोई आदमी ऑनलाइन जॉब करना चाहता तो अपना रिज्यूम वो क्विकर के ऊपर डालता है, तो फिर ये क्विकर से डाटा पर परचेज करते थे, और क्विकर से जो डाटा परचेज करते थे उसमें ये खासकर औरतों को देखते थे कि लेडीज कौन है, और उन्हीं के पास कॉल करते थे, और उनसे ज़्यादातर ठगी उन्हीं से करते थे। अभी तक करीब इन्होंने 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया है।
अभी तक 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया, तो लाखों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया। महिला ने कितने पैसे लेने के लिए इतने पैसे दे दिए इनको? उसने करीब करीब अपने 400 फॉर्म भरे थे, प्रति फॉर्म उसको 25 रुपए देने थे इन्होंने, तो करीब कोई 10,000 रुपए तक की अमाउंट थी। तो सैलरी देने की एवज में ये अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज, जॉब एग्रीमेंट का, ये अलग अलग, जैसे वो फाइल अपडेशन का चार्ज, GST चार्ज, ठीक है सर, पहले छोटी छोटी पेमेंट लेते रहे, जब ये लगा कि ये पेमेंट दे रही है तो फिर उन्होंने मतलब वो पेमेंट बढ़ा दी। लास्ट इनकी पेमेंट थी जो इन्होंने जमा कर करवाई थी वो 49,000 समथिंग थी, यानी ये पेमेंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है सर। ये हुआ सर, क्या अपील करना चाहिए? तो लोगों से, खासकर महिलाओं से जो घर पे बैठे जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, किसी के भी अगर आप कोई जॉब करती हैं, कोई भी ऑनलाइन आपको टास्क दिया जाता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी आनी है, आपने किसी को देना नहीं है। अगर कोई किसी भी कोई एक्टिवेशन चार्ज मांगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है, तो आप कोई भी अकाउंट वेरीफाई किए बगैर या किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज़ वेरीफाई किए बगैर पैसे मत दें। सर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं।